ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। तेजिंदर बग्गा जी पर पंजाब पुलिस ने एक केस फाइल किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उन्होंने पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश करी और इस वजह से पंजाब की पुलिस ने उन पर एक केस दर्ज किया। जो कानून की प्रक्रिया है, उस कानून की प्रक्रिया के तहत तेजिंदर बग्गा जी को 5 बार समन भेजा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों, लेकिन तेजिंदर बग्गा जी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए। क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुए, पंजाब पुलिस ने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए तेजिंदर बग्गा जी के नाम पर एक अरेस्ट वारंट इशू किया और वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली आए। पूरे लीगल प्रोसेस के अनुसार पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, तो दिल्ली पुलिस का पूरा इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तेजिंदर बग्गा जी की गुंडागर्दी, तेजिंदर बग्गा की दंगई, तेजिंदर बग्गा की दंगा भड़काने का जो पूरा प्रयास था उससे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी।